thinking that I could have done something, but now I'm left. तो गाइस चौथे दिन के पार्ट टू में आपका स्वागत है। आज हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट से लेके ले तक की। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट ठीक है, आराम से पहुंच जाएंगे। आज बाइक के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, यार बाइक में जो प्रॉब्लम आई थोड़ा बहुत अंदाजा हमें लग गया है, तो आगे उस बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पूरा फन करते हुए ले पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो यार हमारा ड्रीम था ले पहुंचना, और आज वो ड्रीम कंप्लीट होने वाला है फुल फन। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लद्दाख की सीरीज जो है ये पसंद आ रही है, उसके व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, इस सीरीज से मेरे को बहुत उम्मीद है एज ए व्लॉगर। मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट प्यार मिलेगा, तो मतलब अब सब कुछ आपके हाथ में ही है, तो प्लीज़ आप पूरा सपोर्ट दिखाओ। और अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो नहीं पसंद है, कोई सजेशन है, तो आप वो भी कमेंट पे लिखो यार, उस पे मैं पूरा काम करूँगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाओ यार, और बाकी सब बढ़िया है यार, आगे बढ़ते हैं ले के लिए। अभी क्या है, शुभम की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से कहीं रुके लंच करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ले के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्साइटिंग जर्नी टुवर्ड्स ले। ये देखो रोड और ये देखो नज़ारे, पूरे सांप की तरह ऐसे 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 रोड है, और अब हमको उतरना ही है। तो अभी हम लामयूरू पहुंच गए हैं, और यहाँ रुकते हैं या आगे देख लो कुछ हो तो। तो यहाँ रुक के कहीं अच्छा सा लंच करते हैं, शुभम की हालत काफ़ी दिक्कत हो रही है उसको, तो वहाँ पहुँचते ही बस अभी खाना खाते हैं और वेट करते हैं किसी रेस्टोरेंट में। आधा रास्ता कवर हो गया है, आधे से थोड़ा सा कम टाइम हो रहा है, 4:15। तो अभी आमची गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट में हम लोग करेंगे अपना लंच। तो यहाँ रुकते हैं, यहाँ लगाते हैं बाइक को। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि टी शर्ट 2 दिन पुरानी है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं 2 दिन से यही टी शर्ट पहन रहा हूँ, सामान कम लाए हैं यार ऑब्वियसली। और अभी नाक हो रही है बहुत ज़्यादा ड्राई, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रीटमेंट लेके आए हैं, ये है बादाम सीरीन। ये जो है मेरे को फोकस नहीं हो गया है, फोकस मेरे फेस पे हो रखा है, जिसमें नहीं होगा डावर का है। तो ये जो है आप नाक में लगा लो, ये मेरे को मनी भाई ने बताया था और भी एक लोगों ने बताया था, इससे आपका जो है नाक जो है ड्राई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भयंकर नाक ड्राई होती है, पोल्यूशन और हाइट और ड्राई एयर है, बहुत ज़्यादा ड्राई एयर है, तो उसकी वजह से नाक ड्राई हो जाती है। तो इसकी एक दो ड्रॉप बढ़िया डाल लो नाक में, चिल। पीछे ट्रक्स आ रहे हैं। अभी हम यहाँ रुके हैं लामयूरू में, ले अभी अराउंड 120 किलोमीटर दूर है ना, ले अभी 120 किलोमीटर दूर है। 4 बज चुका है, एक बंदा पूरा ये तो मतलब शुभम तो चलो ये छोड़ते हैं, आवाज़ आ गई उसकी। एक्चुअली शुभम की थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ही इज़ फीलिंग डिजीनेस नोजिया जस्ट बिकॉज ऑफ माउंटेन सिकनेस, हाइट बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको थोड़ा सिक हो गया है वो। बाकी हमारा अभी खाना आ चुका है, आपको खाना दिखा देता हूँ, और उसके बाद खाना खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, होपफुली पहुँच जाएंगे 7-8 बजे तक ले। बाकी ठीक है यार, चल रहा है, फन पूरा आ रहा है, आप देख ही रहे होगे व्लॉग में। अभी ड्रोन उड़ाते हैं यार, यहाँ हवा थोड़ी कम है तो ड्रोन भी उड़ाते हैं, देखते हैं। चलो फिर खाते हैं। खाने में है सिंगापुर नूडल्स, एग भुर्जी, रोटी, पनीर, जल्दी लिखाते हैं। बाय बाय। तो भाई जी अपना हो गया है लंच, होटल का नाम आपको दिखा देते हैं, आमची गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट लामयूरू। ये लामयूरू पे पड़ता है, कारगिल से ये 103 किलोमीटर दूर, लो ले से है ये 118 किलोमीटर पहले। तो अब हम लोग निकलेंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन ले के लिए। भयंकर लेट है, 5:15 हो चुका है। शुभम एक्चुअली तबीयत उसकी ठीक नहीं है, वैसे तो लामयूरू मोनेस्ट्री में हमारा जाने का प्लान था, बट यार क्या करें, रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ लग ही जाता है, तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल में यही सब दिक्कतें आती हैं। तो लो जी निकल लिए लामयूरू से, अब बढ़ते हैं ले की तरफ। इस समय जो टाइम हो रखा है 5:15, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर, मौसम बहुत ही खुशगवार है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, राइडिंग जैकेट पहन के भी आपको बिल्कुल कम्फर्टेबल फील होगा, विंटर लाइनर हम पहन रखे हैं अंदर, ग्लव्स हमने समर वाले ही पहन रखे हैं, और दिन अच्छा जा रहा है। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम आराम आराम से चलाएंगे, कोई जल्दी नहीं है ले पहुंचने की, रात में 9 बजे भी पहुंच गए तो भी ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आधे पहाड़ पे धूप है, आधे पहाड़ पे छांव है।
रोज में गोल्डन आर्ट देखने को मिलता है, देखो नज़ारे बढ़िया, आधे पहाड़ पे धूप है, आधे पहाड़ पे छांव है, और क्या सही रोड है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दिल खुश हो गया। और आगे एक और राइडर, तीन लोग बैठ के जा रहे हैं बाइक पे, एक प्लेट पे तीन लोग, ये सही है यार, पंजाब से आए हैं, हालांकि ये रिस्की है, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट अब एडवेंचर है भाई, एडवेंचर है, क्या कर सकते हैं। क्या बात है, धूप आ गई जी, धूप आ गई, बिल्कुल चट्टानों के पहाड़ हैं इस समय, और इतनी तेज हवा है यार, ड्रोन ही नहीं उड़ाने मिला, हार्डली 10-12 मीटर ऊपर गया, बोलता है स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग, तुरंत लैंड कराओ, भैया लैंड करा दिया, कहीं टूट टाट ना जाए, जो बैठे बैठे नुकसान हो जाए, अभी बहुत लंबी राइड बाकी है, तो कम से कम कहीं तो व्लॉग में आ जाएगा वो ड्रोन। लेकिन हाँ भाई, हार्डशिप्स भी हैं, ऐसा नहीं है, आज सुबह को देखा मैंने तब समझ आया कि हम लोग अभी तो बहुत लाइट ले रहे थे अपनी राइड की, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, और ये देखो हमारी परछाई जा रही है, अब डांस कर लेते हैं। बिल्कुल बगल से नदी बह रही है, आपको अगर दिखाऊं पीछे कुछ ना हो, सामने से कुछ ना आ जाए, बस डर ये लगा रहता है, अदरवाइज दिखा तो देता मैं आपको, अभी दिखाता हूँ, देखो ये देखो, दिख रही है राइट, ये बह रही है नदी सिंधु, बिल्कुल पतली सी छोटी सी है, देखो इंडस रिवर जिसको बोलते हैं। क्या बात है, बिल्कुल नीचे पहाड़ बहुत ही बड़े बड़े लग रहे हैं यार, थ्रिलिंग एडवेंचरस स्केरी आई वुड से। और देखो कितने सारे पत्थर टूट टूट के गिरते हैं, उनको साइड में लगाते रहते, ओ हो खालसी है 10 किलोमीटर दूर, और हम लोग बिल्कुल आराम आराम से चले जा रहे हैं। यहाँ ड्रोन फुटेज लेने में जो मजे आएंगे ना, लेकिन ड्रोन उड़े तो साला, तब तो लें ड्रोन फुटेज। देखो भाई क्या पहाड़ है, काट काट के सड़क बनाई है यार, ऐसा कैमरे में दिख रहा होगा कि बिल्कुल छू जाएगा, बट ये बहुत ऊपर है, दूर से देखो तो लगता है कि अरे बिल्कुल पास ही आ जाएगा, लेकिन है एक्चुअल में बहुत ऊपर। ये देखो भाई साहब, ट्रक नदी में बिल्कुल जाते जाते बचा है, थोड़ी सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला हिसाब है, ये लोग खड़े होकर देख रहे हैं, बिल्कुल छूते छूते मतलब बाउंड्री पे जाके पता नहीं कैसे रुक गया। ओह भाई लुक एट द व्यू, ऐसा लग रहा है रोड खत्म पहाड़ शुरू, क्या बात है, बहुत ही हैवी साइज के बिल्कुल चट्टाने हैं, ये नॉट ए पहाड़, ये पत्थर की चट्टाने हैं। तो खालसी है 5 किलोमीटर, आरजी है 39 किलोमीटर, ले है अभी 106 किलोमीटर, ले का एयरपोर्ट है 104 किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर और बाइक चलानी मतलब आधे से ज़्यादा सफ़र हमारा पूरा हो चुका है 115 किलोमीटर का। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, तो भाई लोग अगर पसंद आ रहा हो तो सटासट वीडियो को लाइक करो और खटाखट चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो तो। मेहनत लग रही है यार ब्लॉग्स बनाने में, घूमना भी है ब्लॉग्स भी बनाने हैं, सब काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो भी बाइक से, नहीं तो गाड़ी निकालते आराम से घूम के ना आ जाते टकाटक। ये कैसा ब्रिज है, तो बहुत ही टूटा टाटा ब्रिज है, अरे भाई तो आवाज़ें से निकल गई इसमें, नदी नीचे बहुत तेज़ी फ्लो से बह रही है, वाह व्यू शानदार है, थोड़ी सी ग्रीनरी देखने को मिल गई यहाँ पे बहुत देर के पथरीले पहाड़ देखने के बाद। नीचे घाटियों में अच्छा वेजिटेशन थोड़ा थोड़ा है, हालांकि ये सीज़न भी अभी ऐसा है ना कि बर्फ़ हटी है थोड़े दिनों पहले, तो इस सीज़न में कम रहती है, अगर आप सितंबर वगैरह मगर आपको लश ग्रीन चाहिए तो आप सितंबर में आओ, आपको बहुत मज़े आएंगे। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल स्ट्रेट रोड लद्दाख वाली, बहुत ही बढ़िया रोड है यार, मस्त मज़े आ गए। ये पूरी वैली है, अभी हम लोग वैली में चल रहे हैं, खालसी आ चुका है, खालसी तो अभी हमें यहाँ रोक दिया गया है, यहाँ शायद कोविड की रिपोर्ट टेस्ट होगी और जिनके पास नहीं उनका कोविड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है उसमें आपको करना क्या है, आपको अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी है जो कि 96 आवर से पहले की नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपने जो कल हमने कारगिल में जो एंटीजन टेस्ट कराया था वो दिखाना है,
उसकी पर्ची, अगर वो नहीं कराया तो आपका रैपिड यहाँ पे होगा, और अगर आपने वो पर्ची दिखा दी तो आपका रैपिड नहीं होगा, सिर्फ आरटीपीसीआर चेक होगा और उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा। तो हमने वो कल करा रखी थी श्री वहाँ पे कारगिल बॉर्डर पे, तो हम वो पर्ची दिखा देंगे और आरटीपीसीआर भी हमने अपनी चेक करा दी। सो नाउ वी आर गुड टू गो, बस ये चेक करेंगे और जाने देंगे। अभी भी ले है 97 किलोमीटर। ओह माय गॉड यार, सवा छः हो गया आज तो भाई, सब 10 बजे गए रात का। हम लोग रोज प्लान बनाते हैं और रोज वो प्लान जो है होल्ड पे आ जाता है। हम सोचते हैं आज प्लान बनाया था कि आज तो 5-6 बजे तक लद्दाख ले पहुंच ही जाएंगे एट एनी कॉस्ट, कितना भी रुकते रुकाते जाएंगे, बट आज दूसरा ही सीन हो गया। एकदम से धूप चली जाती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। क्या सही व्यू है भाई, क्या सही व्यू है, मुझे आगे देख के। ले पहुंचते पहुंचते तो रात ही हो जानी है यार, अभी तो बहुत दूर है ले। अभी टाइम हो रहा है 7:45 और ले है अभी 75 किलोमीटर दूर, तो मतलब 9 तो इन एनी केस बजेगा, एक ब्रेक तो लेंगे ही छोटा मोटा, तो 9 तो बजी गया ही मान लो आप। अंधेरे में ही प्रवेश करेंगे ले के अंदर, जैसे हम हर ब्लॉग में कर रहे हैं हर दिन। कल कारगिल में अंधेरे में प्रवेश किया था, उस दिन श्रीनगर में अंधेरे में प्रवेश किया था, लेह में भी अंधेरे में ही प्रवेश होगा भैया। धमाधम लेट नाइट एंट्री होगी अपनी, लेट नाइट एंट्री, जब सब आ चुके होंगे तब हम आएंगे। अब चलो यार थोड़ी बहुत बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हमें लगा था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमें लगा था कि सीट की वजह से जो है ना सक्शन में, एयर सक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और बाइक को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो इंजन में प्रॉब्लम आ रही है। बट लेटर हुआ ये कि शुभम और विनय की बाइक पे भी सेम प्रॉब्लम आने लगी। देन वी रियलाइज्ड कि इसमें जो है ये इशू नहीं है, इशू इसमें ऑल्टीट्यूड का ही आ रहा है मेजरली। अब देखो दो फैक्टर होते हैं, एक चीज़ तो मेरे को अंदाजा लग गया है कि होंडा ने शायद इसको बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर टेस्ट नहीं किया है, नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये परेशान कर सकती है, ऐसी प्रॉब्लम है। अभी तो हम लोग 13,000 फीट की ऊंचाई पे ही हैं, मे बी जब खारदुंगला जाएंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाए, जो कि मेरे को अब लग रहा है। बट ठीक है, इंजन में कोई इशू नहीं है, इशू फ्यूलिंग में है। अब फ्यूलिंग में क्या इशू है, फ्यूल इंजेक्शन जो इसमें आजकल FIs आते हैं, आजकल कार्बोरेटर तो होते नहीं है, तो वो जो प्रॉपर मिक्सचर है वो फ्यूल इंजेक्टर भेज नहीं रहा है। और वो क्यों नहीं भेज रहा है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर को जो पार्ट कंट्रोल करता है वो होता है बाइक का ECU, यानी कि बाइक का ब्रेन। तो ECU की ट्यूनिंग जो है थोड़ी सी मेरे हिसाब से आई थिंक हाई अल्टीट्यूड के हिसाब से सेट नहीं है, तो वो प्रॉपर सिग्नल नहीं देता है FI को, तो FI जो है प्रॉपर मिक्सर नहीं भेजता है, तो इंजन में मिसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है कि बाइक में फॉल्ट है या इंजन में फॉल्ट है, प्रॉब्लम बस ये छोटी सी है। और इसका सोल्यूशन भी बहुत आसान सा ही है, ECU की अपडेट्स आती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, थोड़ी सी ट्यूनिंग में चेंज होगा और प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। बाकी कुछ टेम्परेरी जुगाड़ भी होते हैं, जैसे मतलब कुछ डायरेक्ट कर दो ECU से, मतलब कुछ सेटिंग चेंज होती हैं, बट वो सब हम अभी करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सपोज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो फिर वो और परेशानी है। तो ये कुछ सीन है बाइक का, बाकी तो ठीक ठाक ही चल रहा है। हाँ, एक चीज़ हमने और ऑब्जर्व करी है, वो ये है कि इसका जो इग्निशन स्विच है रेड वाला, ये 2 बार में होता है। पहले आप ऑन करोगे तो ECU की ट्यूनिंग होती है, ECU अपना मतलब रीसेट होता है, और उसके बाद आप सेल्फ दबाते हो तब स्टार्ट होता है। तो अगर आप वो ECU का जो रीसेट टाइम होता है 2-3 सेकंड का, अगर आप वो पूरा टाइम उसको नहीं दे रहे हो, आप सीधा स्विच ऑन करोगे और सेल्फ ऑन कर दोगे ना, तब प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और अगर आप उसको प्रॉपर टाइम दे दो, ECU जो 3 सेकंड के लिए आवाज़ भी आती है, आपने सुना होगा जिनके पास भी ये बाइक है, एक कर की आवाज़ आती है, तो अगर उस आवाज़ के आने के बाद तक आप वेट कर लो, उसके बाद आप सेल्फ लगाओगे, तो उस बाइक में प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
क्या नजारे हैं भाई इस रोड के। ये अभी हम लोग इतनी रात में मैग्नेटिक हिल्स पे खड़े हैं, लेकिन अभी यहाँ तो कुछ हो नहीं पाना। इतनी रात चल रही है, जा रही है पीछे, जा रही है तो पीछे तो जाएगी यार, आगे नहीं जानी है। यार क्या हो रहा है, अरे भाई जी आराम से चलते चलते टक्कर मार गया साइकिल बैग में। क्या हाल मेरे चीतों एक चीता तो पीता है तो फाइनली गिरते पड़ते कारगिल से ले पहुंच गए आज। सफर था 5 घंटे का, लेकिन लग गए 10 घंटे। आपको पता है क्यों? पहले तो आज बाइक ने थोड़ी सी प्रॉब्लम दे दी, दूसरी शुभम की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई, तो उस वजह से जो है मैं थोड़ा ब्रेक थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ गई, और तीनों की थोड़ी थोड़ी डाउन हो गई। ऑक्सीजन शॉर्टेज थोड़ी समझ में आ रही थी कि सांस कम आ रही है। बाकी ठीक है यार, पहुंच गए, सफर अच्छा रहा, बहुत ही सीनिक रास्ता था, मस्त मजा है, आपने देखा ही होगा। अभी रात के बज रहे हैं 9 बजे हम यहाँ पहुंचे थे। आज का टोटल जो सफर रहा अराउंड 224 किलोमीटर का रहा। रोड काफी अच्छी आपने देखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया है हमारा खाना, आप खाना देखो। और खाने में भी एक कंफ्यूजन ये चल रहा है कि हमने हाफ चिकन ऑर्डर किया था, बट उसने 2 बड़े बड़े बाउल चिकन दिए, जो कि शुभम और दूसरे भाई विनय को खाने हैं। अब दिक्कत ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हाफ है कि फुल है, तो आप लोग खा लो भी कटोरी। हाँ हाँ, उन्होंने तो 2 बारी कंफर्म किया कि ये हाफ है तो उन्होंने खुद बोला कि ये हाफ है, पर मेरे को लग रहा है यहाँ पर दिल्ली के हिसाब से ये 2 प्लेट हो गए। प्लेट हो दिल्ली में तो ये डबल फुल कर देंगे इतने में तो, अगर मतलब यहाँ के चिकन ज्यादा बड़े बड़े होते होंगे, मतलब मेरे को ये लग रहा है। बाकी दाल फ्राई और आलू, जीरा आलू भी आ गया है, तो खाना खाते हैं यार, सोते हैं। कल ले एक्सप्लोर करेंगे, कल हम परमिट भी लेंगे अपना लद्दाख रीजन के लिए, नुब्रा वैली, टोटुक डिस्केट और पैंगोंग सारी जगहों के लिए, और कल ले एक्सप्लोर करेंगे पूरा, तो जितनी भी मस्त मस्त जगह है वो आपको दिखाएंगे। तो आई होप आपको आज का जो ये हमारा सफर है फ्रॉम कारगिल टू लेह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो तो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दी, और यहाँ स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रही है। तो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल। कल का सफर लेकर रहेगा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे लद्दाख के लिए, लद्दाख रीजन के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।